हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग इन्फोवेन्यू। मेरा नाम है बास और इस वीडियो में मैं बात करूंगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में। तो मैं आपको जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जो भी डिस्टेंस प्रोग्राम्स है उसके बारे में सारी डिटेल्स दूंगा, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, क्या पूरा सिस्टम होता है, कब एग्ज़ाम्स होते हैं, फॉर्म्स कब निकलेंगे, आप फीस कितनी होती है कोर्सेज की, तो हर एक डिटेल इस वीडियो में आपको मैं दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस बनाऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के ऊपर मैंने एक दो वीडियोस बना रखी हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जामिया CDOL जो कि है सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग, उसके बारे में आपको बताऊंगा। देन प्रोग्राम्स क्या क्या यहाँ हैं उसके ऊपर बात करेंगे। देन मैं आपको बताऊंगा लर्नर सपोर्ट सेंटर क्या होते हैं, इसके ऊपर आगे बात करेंगे। बाकी एग्जाम से रिलेटेड बात करेंगे, फीस वगैरह, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो अगर मैं बात करूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग CDOL के बारे में, तो ये 2002 में स्टार्ट हुआ था सेप्टेम्बर में विद द असिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। JMI के CDOL का मेन मकसद यही है कि जो लोग रेगुलर से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीज़न, मे बी अगर वो जॉब पे जाते हैं या उन्हें कुछ पर्सनल रीज़न है, तो वो डिस्टेंस से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपनी जगह से आप अपने घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, तो इसीलिए ये स्टार्ट किया गया था। चलिए बात कर लेते हैं प्रोग्राम्स ऑफर्ड एट सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग। तो मैं आपको बता दूं यहाँ 20 प्रोग्राम्स हैं, 10 मास्टर्स में हैं, 5 बैचलर्स में हैं, 3 डिप्लोमाज हैं और 2 सर्टिफिकेट्स हैं। तो चलिए एक एक करके इस सबके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए जो मास्टर्स में प्रोग्राम है, नंबर 1 है मास्टर्स ऑफ इंग्लिश, मास्टर्स ऑफ हिंदी, मास्टर्स ऑफ सोशोलॉजी, मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मास्टर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, मास्टर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स और MBA। MBA को छोड़ के जितने भी मैंने आपको मास्टर्स कोर्सेज बताए इसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, कोई भी आपको एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं। और ख़ास बात यह है कि ये जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं डिस्टेंस लर्निंग वाले, ये डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो DEB DEB जो कि UGC के अंडर में आता है उससे अप्रूव्ड हैं, तो ऑथेंटिसिटी की गारंटी आपकी DEB ले रहा है। बाकी बात कर लेते हैं हम बैचलर्स कोर्सेज। तो बैचलर्स में 5 कोर्सेज हैं। नंबर 1 कोर्स है BA इन आर्ट्स जो कि जनरल कोर्स है, बाकी BEd है, BCom है, BCom इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड फिनेंस एज अ स्पेशलाइजेशन है, BBA है। BEd को छोड़ के जितने भी 4 बाकी वाले हैं उनका आपको एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा। BEd में अगर आपको लेना है तो उसमें आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और उसके अंदर 500 सीट्स होती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज की। तो यहाँ 2 PG डिप्लोमा कोर्सेज हैं, PG डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग 1 साल का कोर्स है, PG डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स वो भी 1 साल का कोर्स है, और डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड केयर एंड एडुकेशन वो भी 1 साल का कोर्स है। बाकी बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट्स की। तो देखिए सर्टिफिकेट्स हैं इसके अंदर, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी, उसके बाद एक कोर्स है सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो कोर्स हैं सर्टिफिकेट वाले ये भी 1-1 साल के हैं। तो ये बात हो गई प्रोग्राम्स ऑफर्ड की। एक कोर्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ सर्टिफिकेट इन उर्दू भी होता है जो कि कम्प्लीटली फ्री है, बट उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे जो कि पोस्टल चार्जेस होते हैं, मतलब आपके घर तक आपकी किताबें पहुँचाई जाएंगी, उसके आपको सिर्फ पैसे देने। बाकी वो उर्दू का जो सर्टिफिकेट है वो फ्री है क्योंकि उसका मेन मकसद यही है कि उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए। तो ये बात हो गई हमारी प्रोग्राम्स ऑफर्ड। अब हम बात कर लेते हैं लर्नर सपोर्ट सेंटर LSC। तो मैं आपको बता दूं जो सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग है जामिया मिल्लिया इस्लामिया का मेन, उसके अंदर बहुत सारे LSCs आते हैं, लर्नर सपोर्ट सेंटर्स। तो एक तरह से स्टडी सेंटर्स आप कह सकते हैं। इनका मेन मकसद होता है कि ये कॉन्टैक्ट पॉइंट की तरह काम करते हैं और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक आपकी ज़रूरतें होंगी वो लर्नर सपोर्ट सेंटर्स पूरा करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आएंगे जैसे कि एग्जाम्स कब हैं, असाइनमेंट कब जमा करने हैं, आपके रिजल्ट कब आ रहा है, और जितने भी वर्कशॉप्स होंगे वो सारी चीज़ें आपको लर्नर सपोर्ट सेंटर से ही मिलेंगी। तो वहाँ एक नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ जब जाएंगे और वहाँ सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ये एक फीचर है। बाकी आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी मिलेगी, जो भी आप लर्नर
सपोर्ट सेंटर लेते हैं अपना, आप डिफरेंट सिटीज में ले सकते हैं, तो 9 सिटीज के अंदर है, जैसे कि नंबर 1 असम, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, केरला, वेस्ट बंगाल, टोटल 9 जगह है। जो भी आपका सिटी या स्टेट के आसपास है वो आप सेंटर ले सकते हैं। वीडियो के आखिर में आपको मैं बता भी दूंगा कि जैसे दिल्ली में कितने सेंटर्स हैं, कौन कौन से, तो उसकी एक पूरा लिस्ट आपको आखिर में वीडियो के दिखा दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो प्राइमरीली इंग्लिश ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जितने भी पीजी प्रोग्राम्स होंगे वो सिर्फ इंग्लिश में होंगे, बाकी कुछ कोर्सेज होते हैं जो कि हिंदी में भी अवेलेबल होते हैं। अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम्स की, तो एग्ज़ाम्स साल में 2 तरीके से होते हैं, या तो टर्म एंड एग्जामिनेशन TEE, जो कि साल में 1 बार होते हैं, एग्जाम्पल BEd, दूसरे होते हैं सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन, जो कि साल में 2 बार होते हैं आफ्टर एवरी सेमेस्टर, एग्जाम्पल MBA। तो चलिए बात कर लेते हैं हम फीस की, कि अगर आप यहाँ से कोई प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं तो कितने पैसे आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स की। तो यहाँ है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो उसकी फीस है 16,000 रुपीज़ एक साल की। बाकी सेकेंड है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसकी फीस है 20,500 ईयरली। जितनी भी आपको मैं फीस बता रहा हूँ ये सब ईयरली बता रहा हूँ। बाकी डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड केयर एंड एडुकेशन, उसकी फीस है 6,500 रुपीज़। सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी, उसकी फीस है 8,500 रुपीज़, एक साल का सर्टिफिकेट कोर्स है। और एक है सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, उसकी भी फीस है 6,500 रुपीज़। तो ये जितने भी सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं ये एक साल के हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं एक साल के। बाकी अगर मैं बात कर लूँ बैचलर कोर्सेज की, तो उनकी फीस कितनी है, तो बैचलर कोर्सेज की एक साल की फीस 7,200 रुपीज़ से लेके 8,800 रुपीज़ तक है, एक्सेप्शन है BEd। BEd की एक साल की फीस है 20,000 रुपीज़। अब हम बात कर लेते हैं मास्टर्स कोर्सेज की फीस की, तो मास्टर्स कोर्सेज की फीस जो है 10,000 से स्टार्ट होकर 16,000 तक है ईयरली, एक्सेप्शन है MBA। MBA की एक साल की फीस है 25,000। तो यही सारी बातें कर ली फीस की हमने। बाकी हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है 2 तरीके से आप भर सकते हैं, जितने भी पीजी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, पीजी डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, बाकी डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं कंप्यूटर एंड हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो वो सारे कोर्सेज आप ऑनलाइन भर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और बाकी मैं वीडियो के एंड में दिखा भी दूंगा कि कैसे फॉर्म भरना है। बाकी MBA का फॉर्म, BEd का फॉर्म और बाकी जितने भी मास्टर्स कोर्स, बैचलर्स कोर्स हैं, इनके फॉर्म आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे वेबसाइट से। वेबसाइट से फॉर्म को निकाल कर आपको भरना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को उसके साथ अटैच करना पड़ेगा और उसे आपको भेजना पड़ेगा, या तो डायरेक्टली सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अगर आप दिल्ली वगैरह में रहते हैं, आसपास रहते हैं तो भेज दीजिए। बाकी जो भी आप लर्नर सपोर्ट सिस्टम चूज़ करेंगे आसपास का, जो भी आपकी सिटी के अंदर है, जैसे मैंने आपको बताया था 9 सिटीज़ में LSCs हैं, तो वहाँ के हिसाब से भेज सकते हैं। जितने भी LSCs हैं वो सारे फॉर्म्स को जमा करते हैं डिमांड ड्राफ्ट के साथ और भेज देते हैं सेंटर ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग CODL, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, न्यू दिल्ली। या तो आप डायरेक्टली भेज सकते हो या आप अपने आसपास के LSC को भी भेज सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फीस की। तो फीस जो है फॉर्म की 500 रुपये से लेके 700 रुपये तक होती है। बाकी मैं आपको बताता हूँ, अभी फिलहाल आप फॉर्म भर सकते हो PG डिप्लोमाज और सर्टिफिकेट्स के, और अभी तक जो बाकी मास्टर्स कोर्सेज हैं MBA BEd, इनकी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। मैंने कॉल भी किया था CODL में, तो उन्होंने भी अभी कुछ नहीं बताया है, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट कर लीजिए। इस बार कोविड की वजह से लेट हो रहा है हर चीज़, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि जो डिस्टेंस के फॉर्म्स हैं सारे कोर्सेज के, वो जुलाई में आ जाते थे, और BEd का MBA का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था वो अगस्त में हो जाता था। तो चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा इंटरफेस वेबसाइट का, कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या वेबसाइट है, कहाँ से आप प्रोस्पेक्टस को पढ़ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें अब आके आप वीडियो में देखिए। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ वेबसाइट, तो ये है जामिया की सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग, तो इसकी वेबसाइट है ये, देखिए आप लिंक यहाँ से क्लिक करेंगे ये वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है ना। पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको मिल जाएगी, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे सारी चीज़ें दी हुई हैं, फैकल्टी मेंबर्स, प्रोग्राम्स ऑफर्ड, अप्रूवल ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज़, ठीक है, UGC डेब एप्लीकेशन, प्रोग्राम गाइड, हर चीज़ दी हुई है, प्रोस्पेक्टस यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से आप खोल कर प्रोस्पेक्टस को देखिए देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है, एडमिशन गाइड पुराना दिया हुआ है बट आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो बाकी ये है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ
कि ये जो है एक लिंक है, ये लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी। तो ये नोटिफिकेशन आई हुई है इस बार की डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज की। तो एडमिशन टू दी फॉलोइंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स इंटीग्रेटेड ODL कोर्सेज, ठीक है, इसकी डेट आई हुई है। ये सब कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट इन टेक्नोलॉजी। तो ये कितने कोर्सेज हो गए, दो और तीन कोर्सेज हो गए। तो तीन डिप्लोमा और दो सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन भर सकते हैं। ये देखिए दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी फिल्ड फ्रॉम अवर वेबसाइट। तो ये वेबसाइट दे रखी है jmicoe.in। तो यहाँ से आप जाकर भर सकते हैं। तो देखिए ये वेबसाइट है, यहाँ से आप भर सकते हैं ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग एकेडमिक सेशन 2020-21। बट मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट भर सकते हो। अभी तक MBA की नोटिफिकेशन, BEd की नोटिफिकेशन और जो बाकी कोर्सेज होते हैं बैचलर्स मास्टर्स की नहीं आई है। इस बार कोविड था उसकी वजह से हर चीज़ लेट हो गई है, नहीं तो जुलाई में फॉर्म निकल जाते हैं डिस्टेंस लर्निंग के, ठीक है। तो अभी फिलहाल अगर आप भरना चाहते हो तो आप पोस्ट ग्रेजुएट और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज अगर भरना चाहते हो तो आप यहाँ से भर के देख सकते हो। देखिए ये डिस्टेंस एडमिशन का 2019-20 का है, तो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है इस वाले की। अगर मैं छोड़ दूँ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज और सर्टिफिकेट कोर्सेज, उसका आप ऑनलाइन भर सकते हो। बाकी जितने भी कोर्सेज होते हैं, MBA हो गया, जैसे BEd हो गया, जनरल प्रोग्राम्स हो गए, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स, बाकी ठीक है बैचलर्स कोर्सेज हो गए, वो सब आप यहाँ से सब अलग अलग लिंक दिए हुए हैं। लिंक वन जो कि जनरल प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है, BEd का, MBA का, ये बाकी एक दिया हुआ है इंडियन डिफेंस पर्सनल्स के लिए भी। तो मैं आपको बता दूं कि जो सेंटर ऑफ डिस्टेंस लर्निंग है जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, इसने MOU साइन कर रखे हैं इंडियन आर्मी के साथ, इंडियन एयरफोर्स के साथ, इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ। तो जितने भी आर्मी में लोग काम कर रहे हैं, बाकी एयरफोर्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके रिटायरमेंट के बाद उनका फ्यूचर क्या होगा, तो उसके लिए ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, ताकि उनका जो फ्यूचर है करियर बन सके, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी तो उन्हें कुछ काम करना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए इन कोर्सेज को इवन इंडियन आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले, ये सब भी कर सकते हैं, तो ये अच्छा ऑप्शन है। तो एक फॉर्म मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। जैसे कि आप ये जनरल का फॉर्म खोलोगे तो इस तरह का कुछ फॉर्म आएगा। मैं आपको बता दूँ ये इस साल का नहीं है, ये लास्ट ईयर का, इस साल का फॉर्म आ जाएंगे, तो आप वेबसाइट देखते रहिए। तो इस तरह का देखिए कुछ फॉर्म होता है, सारी डिटेल्स आपको इसके अंदर भरनी होती हैं, और इस फॉर्म को आपको पूरा सारी चीज़ें करने के बाद डिमांड ड्राफ्ट, जितनी भी फीस होगी 500 या 700 रुपये, और बाकी जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उन्हें सबको आपको इसके अटैच करके पोस्ट करना होता है। या तो आप सेंटर ऑफ डिस्टेंस लर्निंग डायरेक्टली भेज सकते हैं, अगर आप वहाँ नहीं भेजना चाहते तो उसके अलावा आप भेज सकते हैं जो भी आपका लर्नर सपोर्ट सेंटर है। बाकी मैं आपको लर्नर सपोर्ट सेंटर्स भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 9 सिटीज़ के अंदर, जैसे कि बिहार, हरियाणा, अलग अलग स्टेट्स में आपको सेंटर्स मिलेंगे। तो देखिए जैसे कि यहाँ दिया हुआ है बिहार में, ये है फातिमा डिग्री कॉलेज, तो यहाँ से आप जाके कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, तो ये सब आप खुद एक्सेस कर सकते हैं। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए हरियाणा में है विजन इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड स्टडीज़, हरियाणा में देखिए और भी कई सारे हैं, बालाजी कॉलेज ऑफ एडुकेशन, इस तरह केरला में ये है मदीनुस सकोफथिल इस्लामिया, तो ये है देखिए। बाकी पंजाब में है बाबा कुंदन लाल रूरल कॉलेज, राजस्थान में है भारतीय प्रशिक्षण संस्थान, तो इस तरह देखिए हर आपको सिटी में मिल जाएगा, उसकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, कौन सा कोर्स आप कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि यहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर लिखा हुआ है, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वगैरह, ठीक है, जो भी आपकी सिटी है, दिल्ली में रहते हो दिल्ली का देख लो सेंटर, वेस्ट बंगाल में रहते हो उसके देख लो, तो आपको मतलब जो भी आपके आसपास है आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और इन्फोवेनियो को आप डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं एक्टिव रहता हूँ, अगर चाहें तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आप MBA के बारे में और BEd के बारे में अलग से चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको MBA या BEd के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए। मैं पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन वन ऑन वन लाइव
काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको अपने कैरियर से रिलेटेड डाउट है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आप कैरियर काउंसलिंग सेशन पर्सनलाइज ले सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।